अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम क्या है जी? जितने भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनके सेल के अंदर एक सैक लाइक ऑर्गेनली पाई जाती है, जो कि क्या होती है, सिंगल मेम्ब्रेनल। उस सैक लाइक ऑर्गेनलीज को जब, क्योंकि वो डाइजेशन करवा रही होती है, तो इसलिए हम लोग उसे लाइसोसोम कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते, डेफिनेशन से पहले अगर हम लोग इसका लिटरली मीनिंग देखें तो जो लाइसो होता है इससे मुराद होती है स्प्लिटिंग, और सोम्स मीन्स बॉडी। तो जो लाइसोसोम का लिटरली मीनिंग होता है उससे मुराद होता है स्प्लिटिंग बॉडी, यानी कि ये एक ऐसी ऑर्गेनिज है जो क्या काम कर रही होती है, स्प्लिटिंग का, ये ब्रेकडाउन का काम कर रही होती है, जिसे हम लोग डाइजेशन भी कह सकते हैं। तो लाइसोसोम ये एक ऐसी ऑर्गेनिज है जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है। वो डाइजेशन इंट्रासेलुलर भी हो सकती है, वो डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर भी हो सकती है। अब अगर इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो लाइसोसोम क्या जी? टाइनी सिंगल मेम्ब्रेनल ठीक है जी लाइसोसोम क्या है? टाइनी सिंगल मेम्ब्रेनल हाइड्रोलेटिक एंजाइम्स कंटेनिंग ऑर्गेनली ठीक है जी। लाइसोसोम क्या जी? इट इज अ टाइनी सिंगल मेम्ब्रेनल हाइड्रोलेटिंग कंटेनिंग ऑर्गेनलीज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल एंड इन्वॉल्व इन डाइजेशन ठीक है जी। तो लाइसोसोम की जो डेफिनेशन है हम इसे तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं कि लाइसोसोम क्या है जी। नंबर वन, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, इसकी एक ही मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोलेटिंग एंजाइम्स होते हैं। किन में पाई जाती है? सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में। और ये काम क्या करती है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो वो क्या है जी, डाइजेशन। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये इंट्रासेलुलर भी डाइजेशन हो सकती है, ये एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन भी हो सकती है। अब हम लोग चलते हैं जी इसके स्ट्रक्चर अक्रेंस की तरफ, कि ये किन में पाई जाती है ठीक है जी। यूकैरियोटिक की बात हमने की है, तो यूकैरियोटिक अगर किंगडम सिस्टम के लिए ऐसे देखें तो चार किंगडम ऐसे हैं जिनमें हमें यूकैरियोटिक सेल मिलते हैं, वो है प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटिया। तो क्या ये चारों में पाया जाता है या किसी में नहीं पाया जाता, उसलिए ऐसे हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं ठीक है जी, सबसे पहले इसकी अक्रेंस की तरफ आते हैं। अक्रेंस के लिए ऐसे अगर हम लोग देखते हैं तो जो लाइसोसोम होता है ये मेनली प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। प्लांट के अलावा जैसा कि पहला किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, ये उनमें भी नहीं पाया जाता, और जो मैमल के रेड ब्लड सेल्स होते हैं यानी मैमिलियन आरबीसीज, ये उनमें भी नहीं पाया जाता। तो बैक्टीरिया, मैमिलियन आरबीसीज और प्लांट, इनमें क्या होता है जी, लाइसोसोम मौजूद नहीं होते, मींस दे आर एब्सेंट। अब फिर ये प्रेजेंट किन में होते हैं? तो एनिमल सेल्स, फंजाई सच एज न्यूरोस्पोरा ठीक है जी, एनिमल, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, या प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट भी से हम लोग कहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के लिए ऐसे, इनके अंदर क्या होते हैं जी, जो लाइसोसोम होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट के लिए ऐसे अगर हमने जैसा कि यहाँ पे लिखा है वो क्या होते हैं, नहीं होते, लेकिन कुछ रेयर कंडीशन है या कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके अंदर हमें लाइसोसोम मिलते हैं, उसको हम लोग कॉट के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, सी ओ टी। इसमें जो सी है ये कॉर्न है जिसे मकई कहते हैं, ओ अनियन है प्याज, और टी से मुराद टोबैको। ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर लाइसोसोम हमें मिलते हैं, कॉर्न, अनियन एंड टोबैको, इन तीन प्लांट्स के अंदर हमें लाइसोसोम मिलते हैं, वरना मेनली प्लांट के अंदर लाइसोसोम मौजूद नहीं होते। अब हम लोग इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि बेसिकली जो लाइसोसोम थे ये सबसे पहले डिस्कवर किसने किए।
तो हिस्ट्री की तरफ देखते हैं तो एक साइंटिस्ट, ठीक है जी, जिसका नाम था क्रिस्टोफर डी ड्यूवे, उसने सबसे पहले लाइसोसोम आइसोलेट किए थे लिवर सेल से, किसके, रैट के। अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ, क्रिस्टोफर डी ड्यूवे जो था ये एनर्जी किस तरह बनती है उस प्रोसेस में था, बेसिकली ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के ऊपर ये रिसर्च कर रहा था, तब इसने लिवर सेल के अंदर जो लाइसोसोम थे वो डिस्कवर किए थे। तो किसने जी, क्रिस्टोफर डी ड्यूवे वो पहला साइंटिस्ट था, कुछ लोग इसे ड्यूवे भी पढ़ते हैं, उसने सबसे पहले लाइसोसोम डिस्कवर किए थे रैट के लिवर सेल में, ठीक है जी, रैट के लिवर सेल में इसने एक सिंगल मेम्ब्रेनल सैक लाइक ऑर्गेनेल देखी जो डाइजेशन करवा रही है, इसने उसे लाइसोसोम का नाम दिया। लाइसोसोम के नाम से पहले डिफरेंट इसके दो नाम थे जो मशहूर हुए हैं क्रिस्टोफर डी ड्यूवे के डिस्कवर करने से पहले, इसी लाइसोसोम को जो नाम दिया जाता था दो में से एक नाम था पेरी कैनालिकुलर बॉडी और जो दूसरा नाम इसका मशहूर हुआ था वो था पेरी न्यूक्लियर डेंसर बॉडी, ठीक है जी। ये दो नाम जो है लाइसोसोम के काफी मशहूर हुए लाइसोसोम के नाम से पहले, इन्हें इन नाम से बुलाया जाता था, कुछ लोग इसे पेरी कैनालिकुलर बॉडी कहते थे, कुछ लोग इसे पेरी न्यूक्लियर बॉडी कहते थे। अब लाइसोसोम दूसरी ऑर्गेनेल्स से ज्यादातर डिफरेंट क्यों है, इसकी हम लोग अगर रिकॉग्नाइजेशन की तरफ आते हैं कि जो लाइसोसोम होते हैं ये क्या जी दूसरी ऑर्गेनेल्स से डिफरेंट क्यों, हमें डिफरेंट क्यों नजर आते हैं, या लाइसोसोम इनके नाम के लिहाज से देख लेते हैं तो कैलानिकुलर की बात करते हैं। लाइसोसोम का दूसरे ऑर्गेनेल्स से जो डिफरेंस है वो मॉर्फोलॉजी का डिफरेंस है कि ये मॉर्फोलॉजी के लिए ऐसे डिफरेंट शेप में मिलता है बाकी ऑर्गेनेल्स से, इसलिए ऐसे। अगर हम लोग जैसा कि रिकॉग्नाइजेशन पढ़ें तो एक सेल के अंदर सिंगल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनेल्स और भी हो सकती हैं, जैसा पेरोक्सिसोम हो सकता है, ग्लायोक्सिसोम हो सकता है, तो ये तीनों और लाइसोसोम ये तीनों क्या जी सिंगल मेम्ब्रेनल, इसके अलावा भी ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं यूकैरियोटिक सेल में और सिंगल मेम्ब्रेनल होती हैं। तो हम लोग लाइसोसोम को बाकी ऑर्गेनेल्स से डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन की तरफ आए तो तीन स्टेप है। नंबर वन, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनल होगा, इसका दूसरा पॉइंट क्या जी, इसके अंदर मोर देन 5 एंजाइम्स होंगे। एंजाइम भी कौन से हैं, हाइड्रोलेटिक एंजाइम, ठीक है जी, मोर देन 5 हाइड्रोलेटिक एंजाइम होंगे। और तीसरी, इसकी पीएच हमें हमेशा 5 या राउंड अबाउट 5 मिलेगी और ये ऑलवेज डाइजेशन कर रहा होगा, किसकी, वैक्यूल की, कौन सा वैक्यूल जी, फूड वैक्यूल, वो वैक्यूल जो क्या करेगा जी, एक सेल एंडोसाइटोसिस के जरिए बाहर से कोई भी पार्टिकल वैक्यूल में कन्वर्ट करके लाता है जिसे हम फूड वैक्यूल कह रहे हैं, ये उसकी डाइजेशन करवाएगा। इसकी सिंगल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर मोर देन 5 आपको हाइड्रोलेटिंग एंजाइम मिलेंगे और इसकी पीएच क्या होगी, 5 होगी। अब पीएच 5 की तरफ आ जाते हैं तो जो एक लाइसोसोम होता है, फर्ज करिए एक लाइसोसोम है और ये क्या जी एक सेल है, ठीक है जी, यहाँ पे लाइसोसोम मैंने बड़ा करके दिखाया क्योंकि हमने पीएच के लिए ऐसे देखना है कि एक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसकी पीएच राउंड अबाउट 7.2 से 7.5 तक होती है और जो लाइसोसोम होता है इसके अंदर जो पीएच है वो क्या होती है जी, 5। यानी कि लाइसोसोम की जो पीएच होती है वो ज़रा एसिडिक होती है, उसकी एक वजह जो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और ज़्यादातर एंजाइम क्या जी एसिडिक पीएच पे बहुत बेहतर काम कर रहे होते हैं, ज़्यादातर नॉर्मली सारे नहीं, और इसकी पीएच साइटोप्लाज्म की पीएच से कम कैसे होता है, तो बेसिकली यहाँ पे एक पंप लगा होता है जिसे हम लोग प्रोटॉन एटीपी पंप भी कहते हैं, ठीक है जी, प्रोटॉन एटीपी पंप, ये नहीं जी एक पंप लगा हुआ है जो क्या करेगा, वो एटीपी की एनर्जी को यूज करेगा और उस एनर्जी को यूज करके साइटोप्लाज्म में जो हाइड्रोजन आयन्स होंगे उनको साइटोप्लाज्म से अपने अंदर लेके आएगा।
ठीक है जी, ये जो प्रोटॉन पंप होता है ये लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में लगा होता है। ये क्या करता है, एटीपी को यूज करता है, उसे तोड़ता है, उससे एनर्जी लेता है और हाइड्रोजन आयन को अंदर लेके आता है। जैसा कि यहाँ पे एनर्जी यूज हो रही है तो ये क्लियर है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म यूज कर रहा है। इस तरह जितने हाइड्रोजन आयन लाइसोसोम के अंदर आएंगे क्या होगा, उस जगह की पीएच उतनी ही बढ़ती जाएगी, तो सॉरी उस जगह की पीएच उतनी कम होगी। इसी वजह से क्या है, लाइसोसोम की पीएच 5 है जो साइटोप्लाज्म में कम है और ये एसिडिक है। अब आते हैं जी एंजाइम्स की बात करते हैं कि लाइसोसोम के अंदर हमने बात की एंजाइम्स होते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर मोर देन 5 एंजाइम होते हैं, लेकिन मोर देन 5 से मुराद लिमिटेड नहीं है कि कितने हो सकते हैं। नॉर्मली जो लाइसोसोम के अंदर हमें एंजाइम मिलते हैं उसमें आता है जी न्यूक्लियस, ठीक है जी, इसमें दोनों आ जाते हैं आरएनएस और डीएनएस। इसके बाद क्या आता है जी प्रोटीएस, लाइपेस, ठीक है जी, ग्लिसरेज, फॉस्फेटेस, देन कैथेप्सिन ए बी सी डी एंड ई, ठीक है जी, ये वो जर्नली एंजाइम है जो लाइसोसोम के अंदर हमें मिलते हैं और रूल के लिए ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत से एंजाइम है जो इसके अंदर मिलते हैं। इससे अगली वीडियो में हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोग बताएंगे ये इतने एंजाइम इकट्ठे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं जी एंजाइम्स की टाइप की तरफ के, कितनी टाइप्स के एंजाइम हैं जो जनरली हमें एक सेल के अंदर देख सकते हैं या हमें नज़र आते हैं जब हम लोग एक सेल का मुआयना करते हैं, एक सेल को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए उसके एग्जामिनेशन कर रहे होते तब। ठीक है जी, अगर हम लोग लाइसोसोम के ओरिजिन की बात करें तो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो किसके पास जाता है जी, गॉल्जी अपरेटस के फॉर्मिंग फेज के पास, ठीक है, या जिसे हम लोग कनकेव फेज भी कहते हैं। यहाँ से ये इसके अंदर फ्यूज हो जाता है और फिर क्या होता है, ये मूव करता करता मेच्योरिंग फेज या कनकेव फेज से एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है जी, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप लोग कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम, क्योंकि ये अभी तक प्योर फॉर्म में मौजूद है, इसने इसके जितने भी कंपोनेंट है वो प्योर फॉर्म में है, लिहाजा इसका दूसरा नाम है वर्जिन लाइसोसोम, ठीक है जी। इसका एक तीसरा नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटो लाइसोसोम। अब क्या होता है, सेल एंडोसाइटोसिस के जरिए कोई फूड वैक्यूल अंदर ले आता है जिसकी डाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो क्या होगा, ये लाइसोसोम और फूड वैक्यूल ये आपस में फ्यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, लाइसोसोम के कंपोनेंट जो कि बेसिकली एंजाइम्स हैं वो और फूड वैक्यूल के कंपोनेंट मिक्स होंगे। इस फूड वैक्यूल की जो फ्यूज हो चुका है प्राइमरी लाइसोसोम के साथ डाइजेशन स्टार्ट होगी। वो स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम और फूड वैक्यूल के कंबाइन करने से बनता है इसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम, या इसका जो दूसरा नाम है फैगोसोम, ठीक है जी, फैगोसोम। अब इन ये तो डाइजेशन के दौरान हमें नजर आती है, इनके अलावा भी दो टाइप्स हैं जो लाइसोसोम की हमें मिलती हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। इसके अलावा जो तीसरी टाइप है वो है रेजिड्यूअल बॉडी, ठीक है जी, और चौथी टाइप है ऑटोफैगोसोम। रेजिडुअल बॉडी क्या जी, ये जो स्कैंडी लाइसोसोम बना है, फर्ज अगर इसमें कोई एंजाइम नहीं है या एंजाइम किसी वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, म्यूटेशन आने से कुछ ऐसा हुआ है, वो एंजाइम अपना काम नहीं कर रहा, तो इसलिए ऐसे जो फूड के अंदर वो एंजाइम होगा वो फूड होगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मौजूद नहीं, लिहाजा ये फूड इसी फॉर्म में मौजूद रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जी, ये जो सेकेंडरी लाइसोसोम है ये एक इररेगुलर शेप में चला जाता है,
ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं रेजिडुअल बॉडी, जो कब बनती है, इनकम्प्लीट डाइजेशन ऑफ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल की इनकम्प्लीट डाइजेशन से क्यों, क्योंकि या तो एंजाइम मौजूद नहीं है या एंजाइम है लेकिन अपना काम नहीं कर रहा, तो ये डिजीज होती है। स्टोरेज डिजीज जो हम लोग पढ़ते हैं, टी एस आई डिजीज हो गया या ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 हो गया, टाइप 4 हो गया, वो बेसिकली यही टाइप है कि इनमें ये एंजाइम ही नहीं होते जिन्होंने किसी चीज को ब्रेक डाउन करनी है। तो इससे जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर रह जाता है उसे हम लोग रेसिड्यू बॉडी कहते हैं। जो ऑटोफैगोसोम है बेसिकली ये प्राइमरी लाइसोसोम को ही हम लोग कहते हैं। कब, तब जब सेल एक्सट्रीमली शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, शॉर्टेज म्यूटेशन की सप्लाई में होता है, फॉर एग्जांपल स्टारवेशन। इसमें क्या होता है जी, सेल को या बॉडी के लिए ऐसे देखते हैं कि इंसान को लंबे अरसे तक खाने को कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है जी, जिसे हम लोग फाका भी कह सकते हैं, कहत के जमाना फर्ज करने कर लिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, सेल के अंदर जो लाइसोसोम होता है ये उन ऑर्गेनेल्स को तोड़ना शुरू कर देता है जो कि न्यूट्रिशन तो ले रही है लेकिन उनका फायदा नहीं आ रहा। क्यों, वो ऑर्गेनेल्स काफी ओल्ड हो चुकी हैं या वो ऑर्गेनेल्स खराब काम कर रही हैं, उसके अंदर डिफेक्शन आ चुका है, डिफेक्टिव हो चुकी हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये प्राइमरी लाइसोसोम उन ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। मोस्टली जो ऑर्गेनेल हमने यहाँ पे देखी है वो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो ये उसको डाइजेस्ट करता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेल मेम्ब्रेन होती है, मैट्रिक्स होता है, तो ये सारा कुछ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड इनसे बना होता है। तो ये उनको डाइजेस्ट करता है, उसकी डाइजेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेल अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ करता है, और इस तरह सेल एक्सट्रीम कंडीशन में अपनी डेड ओल्ड फॉल्टी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करके अपने आप को सर्वाइव करवा रहा होता है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। इसके मतलब अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।